बेशक बारिश का मौसम है लेकिन यार गर्मी तो हो रही है। लेमनेड पिए लेकिन ये लेमनेड बनाएगा कौन? अरे अपने शरद मल्होत्रा जी हाँ, बेशक फैंस के आगे इतने ज्यादा नहीं आते लेकिन अपनी झलक तो दिखाते ही रहते हैं। और अब उनकी एक शॉर्ट फिल्म आ रही है जिसका नाम है प्रवाह, और लेमनेड पे हमने उनके साथ की गपशप और उन्होंने ही हमें लेमनेड बना के पिलाया। चलिए आए दिखाएं। तो ये जो है आज ये जो तैयारी आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारी फिल्म जो है प्रवाह इज़ डूइंग रियली वेल, इट्स बीन अप्रिशिएटेड, इट्स बीन एक्सेप्टेड वेल, तो क्यों ना हमने सोचा कि हम लेमनेड बनाएं और चीयर्स भी करें और आप लोग के साथ पिए जी। यू नो लेमनेड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वो है जो था नहीं, यानी कि आपको जो ज़िंदगी मुश्किलें देती हैं आप उसे स्क्वीज करके उसका बेस्ट निकालते हैं। सो फॉर मी इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल मेटाफर। ऑब्वियसली लेमन मींस नींबू है, यहाँ पर धनिया है, यहाँ पर ये भी दैट्स मिंट एंड देन देयर इज वाटर शुगर सिरप एंड ऑन द रॉक्स। ब्यूटीफुल बट बहुत ही आसान है, क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। सुनो मैंने जितना इसमें हमारी जिंदगी में एक्चुअली मिठास बहुत ज्यादा है, ये थोड़ी कम है। हाउ अबाउट यू? परफेक्ट। सो आई थिंक यू शुड एक्चुअली गल्प इट डाउन इन वन गो। कैसा है? गुड, इट्स जस्ट लाइक मी। शिवोहम का जो किरदार था, आई थिंक आई कुड रिलेट, फर्स्टली बिकॉज इट वॉज अबाउट ट्रैवलिंग experiences, meeting new people. Life obviously is very unpredictable, so was you know the entire short film when we kind of started shooting. Beech mein bahut sare bahut mazedar moments aaye inke liye bhi. I think jab humne pehli baar maine in fact kaam kiya humne and mujhe main bahut excited tha because mujhe laga pata nahi kahin main fumble na maar do because the kind of body of work she's had, I was really looking forward to that one scene, the climax scene hai, you know, so kahin na kahin you know it just it's like an amalgamation of everything. Mere liye bahut refreshing tha kyunki jab bhi kuch content mere paas aata hai to I need to understand it. I mean, you know, at a creative level, at a soul level, at a mental level. और अगर वो resonate नहीं करता तो मैं justice नहीं कर पाऊंगी उसे। 7-8 साल पहले एक solo trip मारी थी यूरोप में, बहुत fear था जब मैं यहाँ से निकला था और जब वापस आया तो I was completely like fearless to another level. और अब मुझे मज़ा, क्योंकि उस वक्त ना मैंने actually अपने खुद के साथ बहुत वक्त गुजारा जो शायद मुझे वक्त नहीं मिलता था यहाँ पे, क्योंकि टीम होती है, लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती हैं, तो जब मी टाइम होता है ना, लाइक आई मी एंड माई सेल्फ, वो आपको सोलो ट्रिप में मिलता है। आई थिंक इट्स अ शॉर्ट फिल्म बट इट्स गॉट अ वेरी वेरी बिग मैसेज दैट वेरी राइटली सेड, यू नो कि बस बहते रहो, आई थिंक बहना ज़रूरी है। कहाँ से निकल रहे हो ये नहीं पता है, कुछ पता भी नहीं होगा कभी, that's the beauty of life, but it's important to just keep moving ahead. ABP News, aapko rakhe aage.